अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है ये है प्रिपरेशन ऑफ सोल्युबल एंड इनसोल्युबल सॉल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ सोल्युबल एंड इनसोल्युबल सॉल्ट्स। जी हमारा जो टॉपिक है ये हमने इस टॉपिक के अंदर प्रिपेयर करना है सोल्युबल सॉल्ट को और इनसोल्युबल सॉल्ट्स को। चार तरीके ऐसे हैं, देयर आर द फोर मेथड टू प्रिपेयर सोल्युबल सॉल्ट्स एंड वन मेथड टू प्रिपेयर इनसोल्युबल सॉल्ट। पांच तरीके हैं जिससे हम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। फोर मेथड से हम जो है वो सोल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करेंगे और एक तरीका हमारे पास है जिससे हम इनसोल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। जी तो हम सबसे पहले हम देखते हैं द वाटर सोल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर बाय द फॉलोइंग फोर मेथड्स। तो यहाँ हम उसको लिख लेते हैं, देर आर द फोर जनरल मेथड्स, इसको देर आर फोर जनरल मेथड टू प्रिपेयर इनसोल्युबल सॉल्ट। ठीक है, फोर मेथड हैं जिससे हम इनसोल्युबल सॉल्ट्स को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। वन बाय वन हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले है बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। By reaction of acid with metal, जब एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करती है हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी हम इसे कहते हैं। ये हमने जो है जब एसिड के रिएक्शंस देखे थे, एसिड के अंदर भी हमने देखा था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट बनाती है और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस खारिज करती है। तो हम इसके रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास HCl जो है वो एसिड है और हम यहाँ पर देखते हैं HCl प्लस मैग्नीशियम, यानी कि एसिड का हमने किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन देखना है। हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास मेटल जो है वो मैग्नीशियम है। अब देखिए हाइड्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव और मैग्नीशियम पर चार्ज पॉजिटिव। और हम इस बात को जानते हैं कि जब भी हाइड्रोजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है, इस पर चार्ज प्लस वन, इस पर चार्ज माइनस टू, दोनों की जो वैलेंसी है वो चेंज है। तो पॉजिटिव नाइट्रोजन कैंसिल, टू इसका इसके लोअर कॉर्नर्स पर और वन इसका इस इधर, तो H सॉरी यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, मैग्नीशियम पर चार्ज प्लस टू है, क्लोरीन पर चार्ज माइनस वन है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, वन इसका इस मैग्नीशियम के लोअर कॉर्नर और टू इसका यहाँ क्लोरीन के लोअर कॉर्नर्स। तो मैग्नीशियम का जब यहाँ वन आएगा तो वन लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम क्या काम करते हैं, ये जो मैग्नीशियम का टू आया ये क्लोरीन के नीचे, तो ये क्या बना देगा, MgCl2। अब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करती है हमारे पास बनता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्ट करके MgCl2 बना रही है। यहाँ पर इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्लोरीन क्या आ रहे हैं प्रोडक्ट में, टू, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, वन। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर टू लगा देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या हो जाएगी, MgCl2 प्लस ये H2 हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन गैस वैल्यूएट हो। तो जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट बनाती है और जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज करती है। हमारे पास जो है फर्स्ट मेथड है टू प्रिपेयर अ सोल्युबल सॉल्ट। मैंने यहाँ पर इनसोल्युबल लिखा है, ये सोल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, फोर मेथड से हम सोल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं और वन मेथड से हम इनसोल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं।
सेकंड मेथड है, हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, दोबारा से देखते हैं इसको, बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करती है, हम इस अमल को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक होगी ना बात। अब एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करती है तो साल्ट बनाती है, और जो साल्ट है वो वाटर जो है उसके साथ वो हमारे पास बनता है। हम इसको देखते हैं, हम यहाँ पर H2SO4 एसिड का NaOH एक बेस के साथ जो है हम रिएक्शन इसका जो है वो करवा देते हैं, या हम यहाँ पर जो इजीली हमारे पास एक, चलो इसी का ही करवा देते हैं, H2SO4। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बननी चाहिए वो साल्ट है और साथ उसके वाटर है। अब ये जो सोडियम है, पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये सोडियम जो है सल्फेट से रिएक्ट करती है। अब जब भी सोडियम किसी भी सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगी, इस पर चार्ज है -2, इस पर चार्ज +1, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 इसका सोडियम के नीचे, 1 इसका इसके नीचे, तो Na और 2 जब सोडियम के नीचे आएगा Na2 बन जाएगा और SO4। तो हम यहाँ Na2SO4 हमारे पास बना है, ये Na2SO4। तो हम जो है सोडियम का सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं, हम लिखते हैं कि जब सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करती है हमारे पास बनता है Na2SO4+। अब साथ जो है वो वाटर बनना चाहिए। अब इसको जो है पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर सोडियम हमारे पास 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो हम क्या काम करते हैं बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर 2 लगाते हैं इसका मतलब है 2 सोडियम के साथ भी है, ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ भी है। अब देखिए ये Na2SO4 ये तो साल्ट बन गया, अब ये 2 टाइम H है और 2 टाइम हमारे पास क्या है OH, दोनों में ये देखिए 2 टाइम H 2 टाइम OH, दोनों में 2 क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा H2O वाटर बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, एक सोडियम सल्फेट जो हमारे पास एक साल्ट बनता है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटेलिक या मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एन एसिड रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हम देखते हैं कि जब एसिड जो है वो किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है। जब भी एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी, हमारे पास साल्ट बनेगा और साथ जो है वो वाटर बनेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं, H2SO4 इसका हम करवा देते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ। अब देखिए कॉपर है, सल्फेट से रिएक्ट करता है, कॉपर पर चार्ज +2, इस पर चार्ज -2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और H2 और A को ये हमारे पास क्या बन जाएगा वाटर। तो हम इसको जब बैलेंस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस फॉर्म ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट, हमारे पास 4th इसका है, लास्ट इसका सोल्युबल साल्ट का, बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड, रिएक्शन ऑफ एन एसिड, हम थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं यहां पर, रिएक्शन ऑफ एन एसिड
विद कार्बोनेट्स, हम कार्बोनेट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक होगी बात। हम यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं फिर इसका। हम यहाँ पर जो है अगर हम किसी एसिड की बात जब हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई भी जो है वो जब एसिड यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो नाइट्रिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, हम कोई भी एसिड लेकर किसी भी कार्बोनेट का उसका रिएक्शन करवा देते हैं। हम यहाँ पर जो है वो HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते हैं और इसका रिएक्शन जो है वो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा देते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। एक बात याद रखिए, जब भी एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या किसी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद साल्ट बनाती है और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस एवेल्यूएट होती है वहाँ से। तो हम जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस सोडियम का रिएक्शन इस नाइट्रेट के साथ होता है। तो सोडियम जब भी नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करती है प्लस वन माइनस वन वैलेंसी एक जैसी है तो कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बनेगा NaNO3। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं NaNO3 प्लस। अब प्लस साथ इसके क्या है, हमने कहा कि एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी खारिज होगी, CO3 में से CO2 या देखें CO3 है इसमें हमने लिख लिया CO2 और एक O, तो ये जो है CO2 है प्लस। अब देखिए कि बैलेंस जब करते हैं तो यहाँ पर तो देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए जो है वो हम जो है देखें यहाँ सोडियम 2 है तो जब भी सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट करती है तो सोडियम नाइट्रेट बनता है, लेकिन यहाँ सोडियम 2 है तो हमें यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 क्यों, क्योंकि जब इधर 2 है सोडियम तो 2 नाइट्रेट लेंगे, दोनों में 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो फिर हम यहाँ लिखते हैं 2NaNO3। अब यहाँ पर 2 लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि ये H2, या हम यहाँ 2 इसलिए लगाते हैं कि ये H2 और इधर वाला 1 हो, ये हमारे पास क्या बना देगा यहाँ पर H2O वाटर बना देगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, हम इसको जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया, वाटर बन गया। अब जो है हम लास्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्युबल साल्ट। व्हेन वी मिक्स टू सॉल्यूशन ऑफ सोल्युबल साल्ट द एक्सचेंज ऑफ रेडिकल टेक प्लेस, थस टू न्यू साल्ट्स आर प्रोड्यूस, वन साल्ट इज सोल्युबल एंड वन साल्ट इज इनसोल्युबल। हमने दो नॉर्मल साल्ट्स को आपस में मिलाना है तो उनसे जो हमारे पास जो साल्ट बनेंगे, एक उसमें सोल्युबल साल्ट होगा और एक उसमें इनसोल्युबल साल्ट होगा। और इसके अंदर जस्ट क्या होता है, इसमें जस्ट आइंस जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्युबल साल्ट, ये हमारे पास ए था और अब जो है हमारे पास यहाँ पर बी है और इसमें हम इनसोल्युबल साल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इनसोल्युबल साल्ट प्रिपेयर करने के लिए हमने ये कहा कि जब दो नॉर्मल साल्ट्स को आपस में मिलाया जाता है तो वो आयंस जो रेडिकल्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं और हमारे पास उनमें जो एक नई प्रोडक्ट बनती है उसमें सोल्युबल साल्ट्स होते हैं और एक क्या होता है, इनसोल्युबल साल्ट्स होता है। तो हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं। AgNO सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, तो जब इनका रिएक्शन करवाया जाता है तो ये सोडियम एंड नाइट्रेट के साथ मिलकर हमारे पास क्या बना देगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना देगा और ये Ag और ये Cl सिल्वर क्लोराइड हमारे पास ये जो है ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि ये हमारे पास ये जो सोडियम नाइट्रेट है ये सोल्युबल है और ये हमारे पास क्या है, इनसोल्युबल है। इसी तरह से हम इसका दूसरा रिएक्शन जो है वो करते हैं, दूसरा रिएक्शन हम इसका करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट का कॉपर सल्फेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट का कॉपर सल्फेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कॉपर इस कार्बोनेट के साथ मिलकर कॉपर कार्बोनेट बनाता है और हमारे पास ये Na2 लिखना था Na2CO3, ठीक है, और ये इस कॉपर कार्बोनेट हो गया और Na2SO4 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम जो है वो सल्फेट बन जाएगा।
अब इसमें आप देखें कि हमारे पास ये जो सोडियम सल्फेट है, ये हमारे पास जो है वो सोल्यूबल है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूबल, और ये हमारे पास क्या है, इन सोल्यूबल। असल में जो क्लोरीन और सल्फेट, क्लोराइड और, या हम कहते हैं कि क्लोरीन और सल्फेट के जो आयंस होते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो हमारे पास जो है वो साल्ट्स को इन सोल्यूबल बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वाटर के अंदर इन सोल्यूबल होता है, और इसको ये हार्ड भी बनाते हैं। हार्ड होने की वजह से ये वाटर में क्या हो जाते हैं, इन सोल्यूबल हो जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने आज जो है वो इसके फोर मेथड देखे सोल्यूबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने के, और वन मेथड जो हमने इसका देखा वो है इन सोल्यूबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने का, जो कि आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर हम इंशाल्लाह जो है इसकी हम टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है, इसकी प्रिपरेशन है कि हम किस तरह से सोल्यूबल साल्ट्स और इन सोल्यूबल साल्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।